अठेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे बोले, अरविंद भदौरिया जी हार से बौखलाए हुए हैं और कई पोलिंग बूथों की रिपोलिंग की मांग कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ बोले कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे चंबल तक पर। देखिए सामने जो हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं अरविंद सिंह भदौरिया जी, चूंकि उनको समझ आ गया है वो बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, अब वो रिपोलिंग कराकर इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं एसडीएम साहब, इनका भी ट्रांसफर कैंसिल करवाकर मंत्री जी की कृपा से ये लौट करके अटेर आए हैं, इसलिए निरंतर आरओ के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर बिना किसी आधार के दबाव देकर के ये बनाया जा रहा है कि सभी मतदानों पर जो है रिपोलिंग की जाए। तो ऐसे तो फिर कल पूरी मध्य प्रदेश की सारी रिपोलिंग होनी चाहिए, हर हर विधानसभा में रीइलेक्शन ही करवा दें। उन्होंने कोई भी प्रमाण नहीं दिया है, सिर्फ अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करके अधिकारियों पर दबाव बना करके वो इस तरह की अवैधानिक मांग कर रहे हैं और हमने लिखित में दे दिया है। कायदा यह है कि जब तक कोई बहुत बड़ी शिकायत या बहुत बड़ा कोई प्रमाण ना हो तब तक रिपोलिंग कराना उचित नहीं होता, इसलिए बिना प्रमाण के मंत्री जी हार की बौखलाहट से शिकायत कर रहे हैं रिपोलिंग की। लेकिन मैं समझता हूँ अटेर की जनता ने एक निष्पक्ष चुनाव करवा करके जो आने वाले चुनाव का परिणाम है उसको पेटियों में कैद कर दिया है और उसको स्वीकार करना चाहिए सबको। उन्होंने कितनी रिपोलिंग की मांग की है और किस तरीके से वो अपने तत्वों को रख रहे हैं? देखिए शायद उन्होंने जो मेरे संज्ञान में आया शायद 25 एक पोलिंग है जिसकी मांग करी है और तथ्य उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि हम तो जो है रिटर्निंग ऑफिसर हमारे हैं और कलेक्टर हमारे हैं, हम उन पे दबाव दे करके उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम उनसे रिपोलिंग करवाएंगे। क्या आप भी कोई इसकी पोलिंग की मांग कर रहे हैं क्या रिपोलिंग? नहीं, मैंने तो लिस्ट दी है, मैंने कहा अगर रिपोलिंग हो ही रही है तो हमारे पे भी हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ फिर रीइलेक्शन ही हो जाए फिर अटेर में, फिर रिपोलिंग क्यों? अगर बिना तथ्यों के कुछ हो रहा है तो फिर 288 पे ही पूरा करवा दो। अगर मंत्री जी के हिसाब से अब लोकतंत्र और कानून चलेगा तो 288 पोलिंग पर रिपोल करवा कर एक रीइलेक्शन करवा देना चाहिए।